एवरीवन, आज का वीडियो बनाने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे बार बार कहते हैं कि मैम इस पार्ट का वीडियो बना दीजिए, इसका हिंदी अर्थ बता दीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर डाल दीजिए या ये पार्ट पढ़ा दीजिए। बहुत सारे पार्ट है जो बहुत पहले ही पढ़ा दिए गए हैं लेकिन बच्चों को ये मिल नहीं पाते हैं, और या फिर छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ढूंढना नहीं आता, जैसे 6 या 7 क्लास के बच्चे हैं तो वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो आपके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले आपको हमारा चैनल खोलना है, चैनल पे आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक, सबसे पहले यहाँ पर होम है, फिर वीडियोज़ है, फिर प्लेलिस्ट है। तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको इस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाना है और इस पे क्लिक करना है। अब जब आप इस प्लेलिस्ट पे आएंगे तो आपके पास ऐसी ये दिख जाएगी, बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं नीचे तक। सबसे आखिरी में क्लास 8 संस्कृत है और सबसे पहले यहाँ पे ये गृह शिल्प दिख रही है। कैसा भी हो सकता है आपके फ़ोन में, आप जिस पे भी देख रहे हो, फ़ोन चला रहे होगे, तो आपको अब ये देखना है कि आपको कौन सा क्लास का कौन सा वीडियो देखना है। मान लेते हैं आपको संस्कृत स्वयं शिक्षक की वीडियोस देखनी है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो जितनी भी वीडियोस डली हैं इस टॉपिक की, सारी आपको एक एक करके नीचे मिल जाएंगी। उसके बाद बैठ जाते हैं। अगर आप कक्षा 12 के हैं, आपको हिंदी की वीडियोस देखनी है, तो आपने इस पे क्लिक किया और जितनी भी वीडियोस हैं आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं ये कक्षा 8, 7, 6, इनकी संस्कृत और इंग्लिश की वीडियोस सारी पूरी पार्ट पढ़ चुकी है और अपलोड हो चुकी हैं। तो हम आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 6 के इंग्लिश। हमने इस पर क्लिक किया तो हमें अब पहले दिखेगा, पहले से स्टार्टिंग है, जो पोएम है लर्निंग टुगेदर वो सबसे पहले दिख रही है। उसके पास नेक्स्ट चैप्टर है शेयरिंग एंड केयरिंग, मैजिक शो। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो ढूंढ सकते हैं, जो पार्ट आपको पढ़ना है आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर देना है। ये सब कुछ इसमें पड़ा है, आप अपने हिसाब से आपको जो चीज़ देखनी है सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद कई बच्चे कहते हैं कि मैम हिंदी में अर्थ डाल दीजिए, हिंदी में अर्थ डाल दीजिए। तो हिंदी में अर्थ डालने के लिए अभी अभी अलग से नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें सिर्फ हिंदी के अर्थ हैं और शब्द अर्थ हैं। तो पार्ट तो पूरा हमने ये ऊपर से पढ़ा दिया है, इसका अर्थ भी बताया है, शब्द की मीनिंग भी सब आपको पूरा पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद अलग से ये जो वीडियोस अभी और अपलोड होंगी, तो सबसे पहली वीडियोस ये जो अपलोड हुई है इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इसमें आपको दिख जाएगा कि क्या क्या है वीडियो में, इसमें इस पार्ट का पहला पार्ट लेसन 1 है, जो कि है लर्निंग टुगेदर। ये पोइम है, इस पोइम के ऊपर जो भी शब्द अर्थ आ रहे हैं ये, और उसके बाद ये हिंदी में जो भी अनुवाद है इसका अर्थ, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप पहले हमारी जो वीडियोस पढ़ी हुई है पढ़ाने वाली वो पढ़ लीजिए, उसके बाद और कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई अर्थ शब्द रह गया है, आप इस वीडियो पे आके दोबारा से उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद इसी तरह से किसी और क्लास की कक्षा 7 की इंग्लिश का ये पूरा प्लेलिस्ट है, इसमें आप ओपन करेंगे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये कक्षा 7 की है ये, और इसी तरह से कक्षा 6 की संस्कृत है, कक्षा 7 की संस्कृत है, कक्षा 8 की संस्कृत है, सारी संस्कृत की तीनों 6, 7, 8 की ये है प्लेलिस्ट। आप अपनी हिसाब से आप जिस कक्षा में हैं उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप कोई से भी वीडियो देख सकते हैं। ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसके बाद इंग्लिश के तरह संस्कृत का भी अलग से नई सीरीज शुरू हुई जिसमें शब्द अर्थ पाठ के और उसके अनुवाद हिंदी में मिल जाएगा। तो ऐसे ही इसमें ये जो यहाँ पे है संस्कृत में लिखा है, इस पाठ का संदर्भ अर्थ सारा दिया है और कुछ एक दो शब्द अर्थ है वो भी दिए हैं। इसी तरह से पूरा पाठ हमारा दिया गया है।
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने क्लास की वीडियो कैसे निकालनी है और किस तरह से देखनी है। इसी तरह इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं कक्षा 6 के, 7 के, 8 के, तो आप जो जिस भी कक्षा में हैं उस हिसाब से अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और उस हिसाब से आप अपनी परीक्षा के लिए अभ्यास कर सकते हैं। और कक्षा 6, 7, 8 के अलावा कक्षा 10 की हिंदी भी पढ़ी हुई है इसमें, कक्षा 9 की हिंदी संस्कृत पाठ पढ़ा है, संस्कृत का पाठ है, हिंदी में जो संस्कृत का पाठ दिया गया है उसकी वीडियोस हैं ये। जैसे कक्षा 10 की हिंदी में जाते हैं तो जो भी संस्कृत का पाठ है वाराणसी अन्योक्ति विलासा, तो ये सब संस्कृत का पाठ पढ़ा हुआ हिंदी का, कक्षा 9 की हिंदी का, कक्षा 12 की हिंदी का, उसके बाद ये संस्कृत स्वयं शिक्षक और गृह शिल्प जो भी टॉपिक्स हैं। गृह शिल्प का मतलब ये नहीं कि आपको गृह शिल्प आपके पास है तो नहीं पढ़ना है, इसमें टॉपिक्स के हिसाब से वीडियोस डलें कि हमें अपने फूड के बारे में जानना है तो ये वीडियोस फूड से रिलेटेड हैं, उसके बाद हमें अपनी इम्यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट, तो ये सब वीडियोस पड़ी हुई हैं, मलेरिया, तो आप इस हिसाब से प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, खोल सकते हैं चैनल पे जाकर, और आपको जो वीडियो देखनी है आप वो वीडियो पढ़ सकते हैं।